brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्योंकि 10 साल का जो बीजेपी का राज है ना, उसमें मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, महिला कोई नहीं बख्शे ने। और हमारे आज 150-200 फौजी आ रहे हैं, दादरी में भी मीटिंग कर ली, रोहतक में भी, झज्जर में भी, पूरा फौजी समाज है ना, ईब के ने राहुल आर के साथ है। जनता पे कादिम बता रही है, वैसे दुनिया भी बैक रही है, देवीलाल भी नहीं कहा करता, समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकते है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अंतिम चरण पर है। आज चरखी दादरी में राहुल गांधी की रैली है। रैली में यहां पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से यहां काफी संख्या में लोग पहुंचे। विशेष आप देख सकते हैं सीपीएम के जो झंडे लगाए हुए यहां पर जो कर्मचारी हैं और ये यहां के जो कार्यकर्ता हैं ये पहुंचे। हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि एक भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की ये रैली है, क्या कहोगे? ये देश में जो मोदी सरकार है उसका विरोध में जनता का जो गुस्सा है उसको लेके इंडिया गठबंधन की जो रैली है उसमें लोग उमड़े हुए हैं आज। क्योंकि 10 साल का जो बीजेपी का राज है ना, उसमें मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र, महिला कोई नहीं बख्शे ने, इसलिए जनता में एक रोष है और वो रोष आज दिखाई दे रहा है। लोग लाल झंडा के ये पहने हुए, पटका पहने हुए, एक अलग ही पूरी रैली में आप अपना वो दिखा रहे हो, तो ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस की रैली में आप यहाँ पहुंचे? कांग्रेस की रैली नहीं, इंडिया गठबंधन की रैली, उसके हम हिस्सा है। सीपीआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए हम रैली में आए। कहीं ना कहीं लगता है कि राहुल गांधी की जो रैली है और कल मोदी जी की जो रैली होगी उसमें कोई खास फर्क पड़ेगा? हाँ, क्यों नहीं, मतलब वो राहुल इतने बड़े नेता हैं, वो आए हैं कोई संदेश के लिए आए हैं, क्या जरूर पड़ेगा बिल्कुल। और भी हमारे साथ हैं कि आप यहाँ रैली में पहुंचे हो, राहुल गांधी की रैली है तो राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर पहुंचे हो या फिर भूपेंद्र हुड्डा? राहुल गांधी के मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल रैली करने जा रहे हैं, क्या उसका जा रहे हो? वो बाहर चपन जो झूठ को कोई पग भी है बताओ। हाँ, आप क्या कहेंगे? राहुल हुड्डा दोनों ही श्रेष्ठ से, राहुल गांधी तो रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो ठीक से मारे। राहुल गांधी को लेकर यहाँ पर चरखी दादरी में लोगों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। विशेषकर यहाँ पर जो स्थानीय जो एक्स सर्विस मैन भी पहुंचे, कुछ ऐसा हमें लगा कि आप यहाँ रैली में पहुंचे एक्स सर्विस मैन हो गया। हाँ जी सर। क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कारण है एक्स सर्विस मैन राहुल गांधी की रैली में? मुद्दे तो ये सारे हैं, आप ये देखिए कि ये जो अग्निवीर का दे रखा है, वन रैंक वन पेंशन का है ये, और कौन सा क्या पहलवानों के साथ अन्याय हुआ ये, और देखो हमारा फौजियों का है वन रैंक वन पेंशन का है जो सही ढंग से नहीं दी, अग्निवीर का है, मेन मुद्दे हमारे ये हैं। ऐसा क्या कारण है नरेंद्र मोदी भी कल रैली कर रहे हैं महेंद्रगढ़ में? तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो हम थोड़े जा रहे हैं उस रैली में, क्या बताना चाह रहे हैं आप? बताना ये चाह रहे हैं हम 15 महीने तक मोदी के दरबार में बैठे रहे जंतर मंतर पे, हम अपनी भीख नहीं मांगते, अपने नाजा मांगों के लिए बैठे थे, अब पर मोदी ने कोई मीटिंग करने का हमारे पास आने का मौका भी नहीं दिया। भाई कोई एक बंदा तो बीजेपी का 15 महीने में आ जाता, अभी किस मुंह से हमारे से वोट मांगते? मैं झज्जर का हरियाणा एक सर्विसमैन का प्रधान हूँ, कुलदीप गुड़िया, और हमारे आज 150-200 फौजी आ रहे हैं, दादरी में भी मीटिंग कर ली, रोहतक में भी, झज्जर में भी, पूरा फौजी समाज है ना, ईब के ने राहुल आर के साथ है। देखियो पूर्व सैनिकों की अपनी खुद की मांगे हैं, ओआरओपी की भी, आप भी रैली में पहुंचे, क्या कहां से आए हो और क्या आपको लगता है माहौल कैसा है? मैं यहां का लोकल हूं सर, और चुनावी माहौल से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो बेरोजगार युवा ना उसके लिए मैं यहां पे आया हूं। जो ये आलाता जो गवर्नमेंट है हाल की, इसने एक यूज एंड थ्रो, कंडोम का नाम सुना होगा आपने, जैसे यूज एंड थ्रो करते ना ऐसे ही युवाओं को यूज करके फेंक रही है। मैं खुद एक सीपीएलओ भर्ती हुई है, उसके अंदर हमने दो दो एग्जाम जो हम दिए हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, लेकिन अब जो है सीपीएलओ लगाए थे करीट लोकल पंचायत ऑपरेटर, लेकिन अब जो है कि एलसी की नई पोस्ट वहां पर बना दी गई है, जहां पर सिर्फ कमीशन बेस की बात हो रही है कि सैलरी के नाम पे आपको सिर्फ कमीशन देंगे। उसमें कुछ लगता है राहुल गांधी आने के बाद में प्रधानमंत्री अच्छा राहुल गांधी रहेंगे या नरेंद्र मोदी? देखो सर, पार्टियां सभी एक सी हैं, यहाँ पे जो मैंने इसका टाइटल देखा था, इसकी जो हेडिंग आई हुई थी हमारे पास आई हुई थी 10 बजे की,
अभी जो 11 से ज्यादा का समय हो चुका है, जिस आदमी को समय की कदर नहीं है वो देश को कैसे चलाएगा, ये बताओ। और देखो चल रहे ना, अभी आप देख रहे हो चुनावी भाषण जो चल रहे हैं, किसी भाषण के अंदर काम करने की कोई भी नियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उनके साथ ये किया, उनको वहां पे लठ मारे, उनको वो किया, उनको वो किया, इस तरह की बातें चल रही हैं। क्या करोगे हमें ये बताओ, अगर हम आपको वोट देंगे तो आप हमारे लिए क्या करोगे? जो बेरोजगार युवा हैं, सबको तो नौकरी सरकार दे नहीं सकते, लेकिन कुछ को तो दे सकते हैं। अब जो हालात गवर्नमेंट है वो यूज एंड थ्रो कर रही है, बस एग्जाम लो, हजार हजार रुपए फीस जो बच्चों ने पे किए हैं। मतलब ये है कि युवाओं में गुस्सा सबसे ज्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, युवाओं में इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा आक्रोश है। तकरीबन 7500 प्रत्येक गांव के अंदर एक बच्चा जो है भर्ती किया था, और भर्ती करने के बाद पैसों के नाम पे, सैलरी के नाम पे उसको कुछ नहीं पता। आप क्या कहेंगे रैली में आए हो राहुल गांधी? राय योग मर खुर गया ससुराल नरेंद्र मोदी, कुछ भी दन को यार, जो इसका भी कसूर नहीं मानता मैं, जनता पे कादिम बता रही है, वैसे दुनिया हुई बैक रही है, देवीलाल भी नहीं कहा करता, समझाया नहीं जा सकता, बहकाया जा सकता है इसका। नरेंद्र मोदी भी एक दिन बाद में महेंद्रगढ़ में, नरेंद्र मोदी भी रैली कर रहे हैं ना महेंद्रगढ़ में? हाँ कर ही रहे, उनका कुछ नहीं ये मामला, ये डरे लगेंगे उनके, ये सब बदल गया, वो टेम हो है इनका, टेम जो जो हर चीज का टेम हो है, ये तो चट गया। ज्यादा सीट आएंगी अब, यहाँ मतलब 8 सीट तक पहुंच गई है इसमें, और कांग्रेस का राजा होगा, 17 सीट आऊंगी हरियाणा। देखिए ये बुजुर्ग थे जिनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि यहाँ पर राहुल गांधी के रैली का पूरा जलवा है, क्षेत्र में कांग्रेस का है, हालांकि यहाँ पर पूर्व सैनिक भी पहुंचे हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जो उनकी मांगे ओआरओपी की मांगे थी, या फिर साथ के साथ ये भी इनका कहना है कि जो राहुल गांधी की रैली, दादरी की जो रैली है, वो चुनावी फिजा भी बदलेगी, ये तो समय बताएगा 4 जून के बाद में रिजल्ट क्या आने वाला है। फिलहाल ये चरखी दादरी की, राहुल गांधी की रैली में पहुंचे लोगों से ये प्रतिक्रिया ली गई है। चरखी दादरी से मेरे सहयोगी पुनीत सुरन के साथ प्रदीप साहू, हरियाणा तक।